नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 का एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, इसमें हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात सीखेंगे। ये विशिष्ट कोण हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके लिए हम साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट ये सीखेंगे। यानी कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है और साइन 90 डिग्री कितना होता है, और इन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो बच्चों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। यह टेबल आपने रट्टा नहीं मारना है, इसको सिर्फ समझना है कि यह टेबल अपने आप से कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम यहां गिनती लिखेंगे। इसको बनाने का तरीका देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, ये हमने गिनती लिखी। 0 डिग्री वाले खाने में 0, अगले खाने में 30 वाले खाने में 1, 45 वाले खाने में 2, 60 वाले खाने में 3, 90 वाले खाने में 4। सभी को ही 4 से भाग करना है। भाग 4, भाग 4, भाग 4, भाग 4 और भाग 4। अब इसमें से इन्हें भाग करके या काट के जो हमें प्राप्त होगा वह हम लिखेंगे। देखिए, 0 को 4 से भाग करके हमें प्राप्त होता है 0। 1 को 4 से भाग नहीं किया जा सकता, इसके लिए इसको लिखा जाएगा 1/4। 2 और 4 पहले आपस में कट जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दुनी 4, इसका मतलब इसको हल करके आया है 1/2। 3/4 को आपस में काटा नहीं जा सकता, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और 4 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, तो यहां बच गया है 1। आशा करता हूं यह स्टेप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि नहीं तो एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखा और गिनती लिखी 0, 1, 2, 3, 4। सभी को 4 से भाग कर दिया। उसके बाद जो भाग करके आया वो हमने अलग से लिख दिया। देखिए, 0 को 4 से भाग करके आया 0। 1/4 आपस में नहीं कटता था, उसको ऐसे लिख दिया। 2/4, ये 2 और 4 आपस में 2 के पहाड़ में कटता था, 2 एकम 2 और 2 दुनी 4, तो इसको लिखा 1/2। 2/4 नहीं लिखा, अब 1/2। 3/4 आपस में भाग नहीं होता, तो इसको ऐसे लिख दिया, और 4 4 से कट के आ गया 1, उसको ऐसे लिख दिया। अब अगला जो स्टेप है बच्चों, इन सभी के ऊपर लगा दो रूट। रूट 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 रूट। अब इस रूट को जो हल करके आएगा वह होगी साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू। आइए देखते हैं। देखिए, 0 का रूट होता है 0, इसका मतलब साइन 0 डिग्री हो गया 0। 1/4 का रूट, 1 का रूट होता है 1/4 का रूट होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है बच्चों, देखिए साइन 45 यह है 1/2 इसका रूट, 1 का रूट होता है 1/2, का रूट होता है रूट 2, यानी 2 रूट से बाहर नहीं आया। आगे देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होगा, रूट 3/4 का रूट, 3/4 का रूट, 3 का रूट रूट 3 बटा 4 का रूट होता है 2, क्योंकि 2 दुनी होता है 4, और इसी प्रकार से 1 का रूट होता है 1। तो बच्चों, ये पहली लाइन प्राप्त करने का ये तरीका है जो मैंने अभी आपको सिखाया है। दोबारा देख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिखा। ये आप स्वयं करेंगे, स्वयं बनाएंगे टेबल बच्चों, तभी आपको आएगा, देखने से नहीं आएगा। अगला स्टेप क्या है, हर खाने में हमने गिनती लिखी 0, 1, 2, 3, 4 तक, सबको 4 से भाग किया, जो कटता था उनको आपस में काट दिया। उसके बाद हमने सभी के ऊपर लगा दिया रूट। रूट को हल करके जो आया वो है साइन की वैल्यू। साइन 0 डिग्री होता है 0, क्योंकि 0 का रूट है 0, 1 का रूट है 1,
चार का रूट है दो, तो एक बटा चार का रूट हो गया एक बटा दो। आगे है एक का रूट होता है एक बटा दो का रूट रूट दो। तीन बटा चार इसका रूट, तीन का रूट होता है रूट तीन बटा चार का रूट होता है दो। आगे था एक का रूट, एक का स्क्वेयर रूट होता है एक। तो ये साइन की वैल्यू आ गई, साइन जीरो डिग्री होता है जीरो, साइन तीस डिग्री होता है एक बटा दो, साइन पैंतालीस डिग्री होता है एक बटा रूट दो, साइन साठ डिग्री होता है रूट तीन बटा दो, साइन नब्बे डिग्री होता है एक। तो आपने देखा साइन की जो वैल्यू है वह शून्य से शुरू होकर एक तक जाई गई है, इसका मतलब साइन की वैल्यू जीरो और एक के बीच बीच में है। साइन की वैल्यू हमेशा ही जीरो और एक के बीच बीच में रहती है, जब भी कोण शून्य से नब्बे डिग्री के बीच में होंगे। अब बच्चों कॉस थीटा, अगली लाइन है कॉस की, ये कैसे भरी जाएगी इसको ध्यान से देखना। जो साइन 90 है ये पहला अक्ष, पहला जो मान है साइन 90 का इधर से, इसको हम लिखेंगे यहां पहले खाने में। तो साइन 90 है एक, ये होता है कॉस जीरो के बराबर। दूसरी वैल्यू है रूट तीन बटा दो, ये आ जाएगी दूसरे खाने में, यानी उधर से दूसरी कॉस में इधर से दूसरी हो जाएगी। तीसरी वैल्यू एक दो तीन, एक दो तीन तीसरी वैल्यू है एक बटा रूट दो, ये ऐसे ही आ जाएगी। चौथी वैल्यू एक दो तीन, चौथी वैल्यू एक बटा दो, ये यहां आ जाएगी। पांचवी वैल्यू है शून्य। तो आपने देखा साइन जो है वो जीरो से एक तक गया था, बढ़ रहा था, कॉस एक से जीरो तक जाता है यानी घट रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने कॉस जीरो कितना होगा वन, कॉस थर्टी डिग्री कितना होगा रूट तीन बटा दो, कॉस 45 डिग्री कितना होगा एक बटा रूट दो, साइन 45 और कॉस 45 बराबर बराबर है एक बटा रूट दो एक बटा रूट दो, कॉस 60 डिग्री होता है एक बटा दो और कॉस 90 डिग्री होता है जीरो। ये हमने कैसे प्राप्त किए, साइन की इधर से चली थी, कॉस की इधर से चली है, ये इधर दूसरा नंबर, इधर तीसरा नंबर, इधर चौथा नंबर, इधर पांचवा नंबर, इधर। ठीक है बच्चों, ये तो सरल है। अब हमें देखनी है तीसरी वैल्यू, यानी कि टैन की सभी एंगल्स के साथ वैल्यू। तो देखिए टैन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन बटा कॉस के बराबर होता है ना बच्चों, साइन टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टैन जीरो कितना होगा साइन जीरो बटा कॉस जीरो, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से भाग कर दोगे तो वो टेन की वैल्यू आती रहेगी हर खाने में। जीरो को एक से भाग करो, जीरो को एक से भाग करने पे आ गया जीरो। एक बटा दो को भाग करो रूट तीन बटा दो से, दो से दो कट जाएगा, ऊपर बचा एक नीचे बचा रूट तीन। तो ये आ गई साइन सॉरी टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू आ गई एक बटा रूट तीन। इसके बाद टेन 45 डिग्री साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखो साइन थीटा है एक बटा रूट दो, कॉस थीटा भी है एक बटा रूट दो, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा एक बटा रूट दो को एक बटा रूट दो से भाग कर दोगे तो उत्तर आएगा एक। तो बच्चों ये वैल्यू याद रखना, टेन 45 डिग्री वन के बराबर होता है। आगे देखिए टेन 60 डिग्री साइन थीटा बटा कॉस थीटा, दो से दो कट जाएगा, ऊपर है रूट तीन नीचे है एक, रूट तीन को एक से भाग करने पर प्राप्त होगा रूट तीन। और टेन 90 डिग्री है एक को शून्य से भाग कर दो। तो बच्चे जब भी किसी नंबर को शून्य से भाग किया जाता है तो शून्य का तो पहाड़ा है ही नहीं, शून्य एकम शून्य, शून्य दूना शून्य, शून्य तिया शून्य, तो किसी भी नंबर को जब शून्य से भाग किया जाएगा तो वह नंबर डिफाइंड नहीं होता, इसलिए उसे लिखा जाता है नॉट डिफाइंड, यानी कि एन डी, उसे लिखा जाता है एन डी। आशा करता हूं आपको यह एन डी समझ आया होगा कि किसी भी नंबर को जब शून्य से भाग करेंगे तो वह नॉट डिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता, इसलिए एन डी लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने साइन की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज और टेन की वैल्यू देखी है।
अभी इस टेबल में से मैं आपसे पूछूं साइन 60 कितना है, तो आप साइन देखोगे 60 देखोगे, साइन 60 यह है रूट 3/2। कॉस 90 कितना है, कॉस ये रहा 90, ये रहा कॉस 90 है 0। इस प्रकार से यह टेबल देखा जाएगा। अब हम बच्चों बात करेंगे कोसिकेंट थीटा की, जो अगली वैल्यू है कोसिकेंट थीटा। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा 1/sin θ, याद है ना आपको कोसिकेंट का फार्मूला क्या था, 1/sin। कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, उल्टा यानी इसको उल्टा कर दो, यह है 0, 0 का उल्टा होगा 1/0, 1 को 0 से भाग करने पर आएगा नॉट डिफाइंड, अभी हमने यहां किया था है ना। तो साइन का उल्टा, बाकी सारा भूल जाओ, साइन वाला नंबर देखो, इनका उल्टा कर देना, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट 0 हो गया नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट 30 कितना होगा, साइन है 1/2, उसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। कोसिकेंट 45, साइन 45 है 1/√2, तो कोसिकेंट 45 हो जाएगा √2/1, तो √2 को 1 से भाग करने पे आएगा √2। इसी प्रकार से कोसिकेंट 60, साइन थीटा का उल्टा, साइन 60 है √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। और इसी प्रकार से कोसिकेंट 90 डिग्री, साइन का उल्टा, साइन है 1, 1 का उल्टा होता है 1। तो ये हमारे पास आ गई कोसिकेंट की वैल्यूज। बच्चों मैं बहुत धीरे करवाने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए आपको जहां से भी मान लो कहीं से वीडियो ना समझ आए, थोड़ा सा पीछे जाकर उस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि मैं बहुत अलग अलग स्केच पेन्स का यूज कर रहा हूं ताकि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आए। बच्चों कोसिकेंट था 1/sin θ, इसी प्रकार से सीकेंट होता है 1/cos θ यानी कॉस का उल्टा। तो ये भी आसान है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, बच्चों 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा यानी 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड। अब आगे बात हमारी आखिरी वैल्यू यानी कि कॉट। कॉट होता है 1/tan θ यानी टेन थीटा का उल्टा। तो देखिए टेन थीटा था, टेन 0 था, 0 का उल्टा होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, टेन 30 था 1/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √3/1 यानी कि √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और नॉट डिफाइंड था 1/0, तो 1/0 का उल्टा हो जाएगा 0/1 यानी कि 0। तो बच्चों देखा आपने, इस तरीके से हमने कुछ विशिष्ट कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, यहां 40 नहीं आया, 25 नहीं आया, 50 नहीं आया, ये फिक्स्ड है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन विशिष्ट कोणों के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट इस वीडियो के माध्यम से सीखे हैं। यह वीडियो जिस स्टेप से आपको ना समझ आया हो, आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर दोबारा देखिए, मैंने प्रयास किया है बहुत धीरे धीरे आपको सब कुछ समझाने का। सबसे पहला स्टेप था 0, 1, 2, 3, 4, सभी को 4 से भाग किया और उसका निकाल दिया रूट, वह थी साइन की वैल्यूज। कॉस के लिए साइन की वैल्यूज को उल्टा करके लिखा, टेन होता है साइन बटा कॉस, कोसिकेंट होता है साइन का उल्टा, सीकेंट होता है कॉस का उल्टा, कॉट होता है टेन का उल्टा। तो इस तरीके से हमने यह टेबल बनाना सीखना है। तो बच्चों ये ऐसा नहीं है कि आपने केवल यह वीडियो देखा और आपको यह टेबल आ गया, आप एक बार इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से देखिए, उसके बाद कोशिश कीजिए एक रफ नोटबुक पर यह टेबल स्वयं बनाने की, और फिर अपने बनाया गया टेबल को मेरे बनाए गए टेबल से मिलाकर देखिए। यदि आपका यह टेबल बिल्कुल ऐसे बना है जैसे मैंने आपको समझाया है, तो समझ लीजिए आपको यह टेबल बनाना अच्छे से आ गया।
प्रश्नावली 8.2 में इस टेबल का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। आशा करता हूं मेरी यह मेहनत आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस प्रश्नावली के बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।